पीपल में जल में काला तिल और एक चुटकी चावल, है ना? ये डालना है, चावल एक चुटकी और काला तिल और एक चुटकी जौ, ये पानी में डाल करके पीपल के पेड़ में चढ़ाना है। वहीं घी का दीपक जलाना है, सात बताशे का भोग लगाना है शनिवार को। ये 11 शनिवार कराओ इनसे। हाँ, और जब ये जल चढ़ा के आएंगी तो घर में हनुमान चालीसा का पाठ करके, फिर एक काला कपड़ा, काली उड़द, सरसों का तेल, है ना, ये किसी भिखारी को दान करा दो। तो एक शनिवार को दान करना है, उसी 11 शनिवार में किसी एक शनिवार को ये दान कर देना, किसी भिखारी को, स्वीपर को, जमादार को, है ना, और 11 शनिवार अपना ये करते रहना। बीच में जब अमावस्या आ जाए तो अमावस्या के दिन, ये कुंडली किसकी है, पत्नी की है ना तुम्हारे, तुम्हारे पत्नी के यहाँ देखोगे इनके माँ को भी कष्ट रहा है ना, इनकी इनकी माता के लिए कष्टकारक योग रहा है। इनके परिवार में तीन तीन अकाल घटनाएं हो गई हैं, इनका भाई कोई डिस्टर्ब हुआ है, कोई महिला खत्म हुई है, इनकी बुआ जहाँ भी है, बुआ भी बहुत परेशान है। तुम्हारी पत्नी पत्नी की बुआ और पत्नी की बहन, ये भी इनको भी कष्टकारक हो गए ना। ठीक है, इनका ये कराओ, ये पितृदोष इनके परिवार से वहां से बना हुआ है। और ये जो है तुम्हारा भी आएगा, ये पितृपक्ष आएगा, तो पितृपक्ष में तुम ये वाला जो उपाय इनको बताया है, इसको पितृपक्ष में तुम कर दो, है ना, 15 दिन लगातार, प्रतिदिन 15 दिन चले जाना कर देना, है ना, प्रतिदिन वही वाला उपाय प्रतिदिन कर देना। पीपल में दिया जलाना और वो जल चढ़ाने वाला है ना, भोग और दिया जला करके, दान की जरूरत नहीं है। हाँ, रविवार को जाओ, रविवार को जाना चाहिए। वो कहने रहने वालों को जो कहना है वो अपना कहते रहते हैं, चाहे उनकी मान लो चाहे हमारी मान लो, तो उनको पता है क्या कि रविवार को क्या है, उनसे पूछना, जो रविवार को कहते हैं कि रविवार को पीपल के पेड़ में क्यों नहीं जाना चाहिए, तो उनसे पूछना कि क्यों नहीं जाना चाहिए, तो बताएंगे कि वहाँ वहाँ दरिद्रता का वास रहता है रविवार को। तो उनसे पूछो कि दरिद्रता का वास रहता है तो रविवार कौन है, रवि कौन है, रवि माने सूर्य, सूर्य का दिन होता है ना रविवार, तो सूर्य कौन होते हैं, सूर्य नारायण नहीं है क्या, सूर्य को ही तो भगवान नारायण कहा गया है, भगवान नारायण ही तो सूर्य का स्वरूप है, और नारायण की पत्नी लक्ष्मी है, तो लक्ष्मी कभी सूर्य को या नारायण को कभी छोड़ करके अलग हो सकती है क्या, नारायण का तो हृदय ही लक्ष्मी है ना, और नारायण का और सूर्य नारायण का सबसे पवित्र दिन रविवार है, तो रविवार को लक्ष्मी रहेंगी साथ में कि अलक्ष्मी रहेंगी, तो रविवार के दिन की पूजा करने से दरिद्रता दूर होती है ना, शीघ्र पूजा संपन्न होती है और फलदायी होती है। इसलिए इन बाम मार्गियों ने हमारी सनातन व्यवस्थाओं को ही चौपट करने के लिए जो जो तत्कालिक लाभ देने वाले जो विधान है उन पे तमाम पाखंड भर दिया और झूठ उस पे लिख दिया, झूठ प्रचार कर दिया, और कथावाचक और पंडित आचार्य सब हवा हवाई चिल्ला रहे हैं। ज्ञान नहीं है उसका, मंथन नहीं है, जैसे कह देंगे कि ब्रह्मा जी की पूजा ना करो, ब्रह्मा जी के ऊपर दोष लगा देंगे कि ब्रह्मा जी ने सरस्वती को बनाया और उनकी पुत्री थी, उन पे कुदृष्टि डाली, तो ब्रह्मा जी ने सरस्वती को नहीं बनाया है, सरस्वती भगवान माता पार्वती के देह से उत्पन्न हुई है। गौरी देह समुद्भवाम त्रिजगताम आधार भूताम पूर्वा मंत्र सरस्वती मनुभजे शुंभादि दैत्यार्दिनी, शुंभादि दैत्यों का मर्दन करने वाली माता सरस्वती गौरी देह समुद्भवाम, गौरी के देह से उत्पन्न हुई है ना, लेकिन कहाँ से कहानी जोड़ दी गई कि वो सरस्वती को ब्रह्मा ने बनाया, ब्रह्मा ने सरस्वती को नहीं बनाया, सरस्वती पराशक्ति आदि शक्ति माता भगवती के अंश से भगवती ने ही अपने आप को तीन स्वरूपों में विभक्त किया था, वही लक्ष्मी पार्वती और काली है ना। लेकिन अब कथावाचकों से कौन कहेगा, कथावाचक और आचार्य तो जाकर के कहने लगते हैं, जो मध्य ब्रह्मोस्म द्वितीय परार्धी स्वे द्वारा कल्पे वयोस मनवंतरे अष्टा विंशतियुगे कलयुगे कलि प्रथम चरणे जम्बू दीपे भरत खंडे आर्यावर्त एक देशांतर गते बुद्धा अवतारे, कहते हैं ना।
अब उनसे पूछो कि बुद्ध कौन है जो बुद्ध भगवान को ही गाली दे रहा है, और तुमने पूजा ही उस बुद्ध के संकल्प से करवाना शुरू कर दिया, तो पूजा करवा रहे हो कि बर्बाद कर रहे हो? हैं, बुद्ध कोई था ही नहीं, है ना, बुद्ध का नाम ले लिया पूजा चौपट हो गई, है ना, क्योंकि बुद्ध ही नास्तिक है और भगवान का विरोधी है ना, तो बुद्ध मन गढ़ंत है, लेकिन इनको बुद्ध के नाम से संकल्प दिलाएंगे वो सही है, पीपल में कहेंगे कि न जाओ, है ना, इतवार को। तुलसीदास जी ने इतने ग्रंथ लिखे, रामायण लिखा, सत्सई लिखा, हनुमान बाहुक लिखा, है ना, हनुमान चालीसा लिखा, तमाम किताबें बाबा तुलसीदास जी ने लिखा, और तुलसीदास जी के बाद कोई अभी प्रमाणित और ऐसा तुलसी के जैसा कोई संत हुआ सनातन धर्म को जो दिशा दे सके? तुलसीदास जी के किसी एक ग्रंथ में सारे अवतारों का वर्णन किया है, बताओ कहीं बुद्ध का अवतार लिखा हो तुलसीदास जी ने? कहीं बुद्ध की वंदना की है क्या? सबकी किया, 12 नरसिंह मत्स्य, है ना, सारे अवतारों की किया, कहीं बुद्ध का नाम लिया हो तो बताओ? ये तो बुद्धों से ही लड़ रहे थे और बुद्धों के ही ढोंग को खत्म करने के लिए बाबा तुलसीदास जी का अवतरण हुआ था, वाल्मीकि महर्षि वाल्मीकि ही तुलसी के रूप में आए थे, तो बुद्धों के ही पाखंड को खत्म करने के लिए तुलसीदास जी ने ये सब ग्रंथ लिखे, लेकिन तुलसी के ग्रंथ नहीं समझ में आएंगे। किसने बुद्ध बता दिया हमको खुद नहीं पता है, है ना, बुद्ध काल आया, बुद्धों ने हमारे शास्त्रों में घुसेड़ मुसेड़ कर दिया, है ना, कि अब बुद्ध भी बुद्ध, चूंकि उनको कोई स्वीकार नहीं कर रहा था तो बुद्ध को भगवान बना दो, तो हिंदुस्तान तो भेड़िया दशान, है ना, तो सब मान करके बैठ गए। तो ये हमारे बताने का मतलब है कि सत्य जानो, है ना, ये उपाय करो, भगवान की शरण में रहो, ये ठीक हो जाएगा।